This is example 10. Now, when we start from left hand side, and this is twice of BC cos A. Now, what cos A is equal to? Rishika Balu, cos A ko kya likhenge aap? Sir, B square plus C square. Haan, beta. Minus A square. Very good. Upon 2BC. BC. तो देखो 2BC कट रहा है, काम आसान हो रहा है. प्लस ये 2 इंटू सी ए. जतिन कॉस पी के लिए क्या लिखेंगे बेटा? कॉस पी के लिए क्या लिखूं सर? बी के बाद क्या आता है? सी. सी स्क्वायर. फिर कहां से शुरू होता है? ए स्क्वायर माइनस एंगल कौन सा है? बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए. ये टू सी ए, टू सी ए भी कट रहा है, ठीक है. फिर इसकी बारी, तो टू ए बी प्लस टू ए बी. और कॉस सी के लिए क्या लिखा जाएगा? सी के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर. सी के बाद ए आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी. यहाँ टू ए बी, टू ए बी भी कट रहा है. अब देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ से बचा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. क्या क्या कट रहे है? काट देते हैं. ए स्क्वायर, ए स्क्वायर गोज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर गोज सी स्क्वायर, सी स्क्वायर गोज. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो हो गया, दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. हमने क्या करा? सिंपल काम किया. कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी दिख रहा है हमें, हमने वैल्यू उठा के डाल दी. वैल्यू उठा के डाल के सिंपलीफाई कर दिया, तो रिजल्ट अपने आप आ गया.